नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्या आपने किसी ट्रेन को बिना ड्राइवर और बिना इंजन के पटरियों पर दौड़ते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, लेकिन खंडवा में एक गिट्टी बिछाने वाली ट्रेन के 8 डिब्बे बिना इंजन के ही पटरियों पर दौड़ने लगे। इन डिब्बों ने सड़क भी क्रॉस की, करीब 1 किलोमीटर तक ये डिब्बे यूं ही लुढ़कते चले गए। मथेला स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराने के बाद ये डिब्बे रुके, हालांकि गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। अब मामले में रतलाम मंडल ने जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले समझिए किस तरह की मालगाड़ी है ये। मालगाड़ी एक खास तरह की मालगाड़ी है। इसमें रेल की पटरियों के पास जो पत्थर की गिट्टियां होती हैं, ये वही मालगाड़ी है जिसमें रेलवे गिट्टियां लाता है और नए ट्रैक्स पर इसमें से गिट्टियां गिराई जाती हैं। इस तरह का ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम रहता है कि नई पटरियों के बगल में ये डब्बे गिट्टियां गिराते हुए चलते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से 8 डब्बे ड्राइवर केबिन के साथ, यानी कि गार्ड केबिन के साथ यूं सरपट दौड़ रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, आगे से लेकर पीछे तक इसमें कहीं भी कोई भी इंजन नहीं है, और तो और पीछे की तरफ एक गार्ड केबिन जरूर है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस मालगाड़ी के डब्बों में गिट्टियां पूरी तरह से भरी हुई हैं। इसका मतलब लोडेड गाड़ी है, और यही वजह है कि इसने धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते रफ्तार पकड़ ली और ढलान की तरफ ये गाड़ी बढ़ने लगी। लेकिन ना तो इसमें कोई इंजन था और ना ही इसमें कोई ड्राइवर। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि इस दौरान इसने एक सड़क भी पार की। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि इसमें ना तो कोई ब्रेक थे, ना ही फाटक बंद हुआ, ना ही इसका कोई सिग्नल था। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिना इंजन के ये मालगाड़ी दौड़ी कैसे? इसमें लापरवाही किसकी है? क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है जब गाड़ियों को कहीं खड़ा किया जाता है, लेकिन उसमें ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? कैसे ये डब्बे यूं इतनी तेज रफ्तार में रुड़कते हुए चले गए? और गनीमत ये रही कि आगे मथेला स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, दोनों गाड़ियां एक ट्रैक पर आईं और इस बिना इंजन की मालगाड़ी ने उस खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मारी और उसके बाद जाकर ये डब्बे रुके, वरना ये डब्बे आगे जाकर किसी बड़े हादसे को भी अंजाम दे सकते थे। लेकिन लापरवाही खुले तौर पर सामने आई है। और हम आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुत वक्त नहीं बीता है जब इस तरह की घटना सामने आई थी। दो गाड़ियां एक ही पटरी पर डाल दी गई थी, सिंगल ट्रैक पर एक ट्रेन एक्सप्रेस वहां खड़ी OHE कैब से टकरा गई थी, और तब भी सवाल उठे थे कि लापरवाही किस तरह की है। ये चिंता इसलिए बढ़ाती है कि देश में हम जब ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सफर को और तेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये छोटी छोटी लापरवाहियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन एक लापरवाही कैसे कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी, क्योंकि इस ट्रेन ने ना सिर्फ एक रोड को क्रॉस किया, बल्कि आप ये सोचिए कि आगे कोई स्टेशन जहां लोग अमूमन पटरी से प्लेटफॉर्म पार करते हैं, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं, वहां बिना सूचना, बिना इंजन, बिना ब्रेक के, सोचिए ये 8 डब्बे कितने लोगों की जान पर भारी पड़ सकते थे। लेकिन चौंकाने और हैरान कर देने वाली तस्वीरें खंडवा में इस वक्त आपके सामने हैं।